आज हम बात करने वाले हैं नौ मुख्य रुद्राक्ष के बारे में, नाइन मुख्य रुद्राक्ष। नौ मुख्य रुद्राक्ष किसके लिए होता है, किसको पहनना चाहिए, किस तरह पहनना चाहिए, कौन सा ओरिजिन का पहनना चाहिए, इस सब के बारे में बात करने वाले हैं। मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा, व्हाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक, बैंगलोर इंडिया से। नमस्कार, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। देखिए, नौ मुख्य रुद्राक्ष के बारे में बड़ी गलत फहमियाँ हैं। जब मैं आठ मुख्य रुद्राक्ष का वीडियो बना रहा था, उसमें भी इसके बारे में चर्चा की थी मैंने। बहुत सारे लोग नौ मुखी को केतु से जोड़ देते हैं और आठ मुखी को कहते हैं राहु के लिए। मैंने बताया था आपको कि आठ मुखी केतु के लिए होता है, क्योंकि आठ मुखी के जो मालिक है वो है भगवान गणेश। बुद्धि, ज्ञान, केतु उसके लिए होते हैं, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज के लिए होते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए होते हैं। नौ मुखी रुद्राक्ष के मालिक होते हैं भैरव। भैरव और राहु का संबंध समझ में आता है, क्योंकि दोनों के गुण धर्म स्वभाव एक जैसे हैं। तो नौ मुख्य रुद्राक्ष राहु के लिए होता है, न कि केतु के लिए। भैरव तो ये समझ ले हम। तो नौ मुख्य रुद्राक्ष आपके मूलाधार चक्र में काम करता है। राहु यदि आपके चार्ट पे अच्छी जगह बैठे हुए नहीं है, आपकी हानि कर रहे हैं, माने पंचम भाव में बैठे हुए, तो क्या करेगा, स्त्रियों को गर्भाधान होने नहीं देगा। यदि पुरुष हैं, जो भी प्लान करेंगे आप करने के लिए, वो सब फुस हो जाएंगे, मतलब उसमें कोई दम रहेगा नहीं, जैसे बैलून से हवा निकल जाए वैसा। राहु यदि सप्तम भाव में बैठ गया है, सप्तम भाव को देख रहा है, तो ये शादी में दरार पैदा कर देता है। कई बार तो डिवोर्स तक हो जाते हैं, पति पत्नी में बनती ही नहीं है। कहीं संबंध बनने, शादी नहीं हुई है, संबंध बनने के आसार नजर आ रहे हैं, बातचीत चल रही है, लेकिन लास्ट मिनट में ब्रेक हो जाता है, शादी हो नहीं पाती है। समझ लीजिए राहु का प्रभाव है। यदि बाई चांस शादी आपकी हो गई तो डिवोर्स के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि राहु कहाँ बैठा हुआ है और कहाँ कहाँ देख रहा है, साथ में कौन बैठे हैं। मानिए राहु सूर्य को देख रहा है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो सूर्य ग्रहण दोष लग गया आपका। राहु शनि को देख रहा है, शनि के साथ बैठ गया तो आपको श्रापित योग बन गया आपका। राहु चंद्रमा के साथ बैठ गया तो आपको चंद्र ग्रहण का दोष लग गया, मन उतावलापन रहेगा। राहु बैठ गया मंगल के साथ में, अंगारक योग बन गया आपका। राहु बैठ गया गुरु के साथ, मतलब गुरु चांडाल दोष बन गया आपका। राहु बैठ गया शुक्र के साथ में तो रोमांस का सत्यानाश कर देगा। ये लड़की है तो आपको पीसीओडी, पीसीओएस तक बीमारी हो सकती है। और राहु के साथ यदि बैठ गया बुध तो हार्ट अटैक होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि बुध का स्थान आपके छाती है तो ये संभावना बढ़ जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, तो ऐसे प्रकार के इश्यू सब हो जाते हैं। राहु को ठीक करने के लिए नौ मुख्य रुद्राक्ष बताया मैंने आपको। उसको यदि हाथ में पहनते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड में पहनना पड़ेगा, और यदि आप यहाँ पहनना चाहते हैं तो आप छाती के आसपास यहाँ पहन सकते हैं। थोड़ी सी लंबी डोरी हो तो अच्छी बात है। यदि आप नाभि के नीचे बांधना चाहते हैं, वहाँ भी आप नौ मुखी को बांध सकते हैं। इंडोनेशिया पहने, नेपाल के पहने, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। आपके बजट के हिसाब से आप नौ मुखी रुद्राक्ष धारण करें। नौ मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बाद में आपको मूलाधार चक्र की साधना करना बहुत फायदेमंद रहेगा, इसको मत भूलिएगा आप। राहु का नौ मुख्य रुद्राक्ष धारण करने के साथ साथ में आप छिन्नमस्ता देवी की पूजा करते हैं तो भी आपको बहुत फायदा होता है। इन चीजों का आप ध्यान रखें। अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कि दस मुखी रुद्राक्ष के बारे में, दस मुखी, तेरह मुखी रुद्राक्ष क्या काम आता है, किसको पहनना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक कड़ी आज्ञा दीजिए मुझे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।